गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज क्लासेस। ओके, सो क्लास 8th वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन फ्रॉम द यूनिट ऑफ सिविक्स विच इज लेसन नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द लेसन नंबर 3 इज द नीड फॉर अ पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे सिविक्स में, जिसका नेम है द नीड फॉर अ पार्लियामेंट। ठीक है, सो टू स्टडी दिस एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 320। सारे बच्चे पेज नंबर 320 पे आ जाएंगे। चलो, अब ये तो बात हो गई कि हमें पढ़ना क्या है। एक बात और, मैंने सारे बच्चों को नोटिस भेजा था कि जो बच्चे होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं उनका टेस्ट में से मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। इसलिए याद रखिए, मेरे पास सारे बच्चों के नाम आते हैं, जो बच्चे होमवर्क सेंड करते हैं उनका नाम मेरे पास आता है, उनका होमवर्क मेरे पास आता है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे होमवर्क सेंड करो, और नहीं तो खुद ही फिर अपना समझना। उसके बाद और क्या कहना था, हाँ, एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, जितना सिलेबस मैंने आप लोगों को दिया है वो आप लोगों को मिल जाएगा या फिर मिल गया होगा। ठीक है, और आप लोग एग्ज़ामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करो बच्चों, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आप लोगों को अच्छा देना है। ठीक है, चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स में लेसन नंबर 3। और एक बात और थी कि बच्चे वीडियोज़ जो हैं वो बहुत कम बच्चे वीडियोज़ देखते हैं। अगर वीडियोस देखते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई रिप्लाई नहीं करते, नीचे कोई कमेंट नहीं आता है, ना वीडियो को लाइक करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चे वीडियो देखते हैं क्या करते हैं, क्या नहीं समझ में ही नहीं आता है कि बच्चे वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। तो वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये साल भी पता नहीं क्या होगा, कोरोना ऐसे ही जाएगा, क्या करेगा। तुम लोग का साल दर साल अगर ऐसे ही क्लासेस बढ़ते गए और नॉलेज नहीं हुई तो फिर आगे तो तुम्हारे भगवान ही फिर मालिक रहेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को एक और करके कि कोविड है और हम लोग ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, और ये सब चीज़ों को एक किनारे रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वीडियोस को देखा करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछा करो। चलो, फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 3 इन सिविक्स। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, इन फोकस नेसेसिटी फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, MPs इन पार्लियामेंट। तो देखो, द नीड फॉर अ पार्लियामेंट, अब हम लोगों ने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारे देश में ज़रूरी था। फिर उसके बाद हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में। अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, हाँ, तो पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है हमारे देश में, इस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। तो आवश्यकता, पहले तो ये जानेंगे कि हमारे देश पार्लियामेंट को बोलते हैं हिंदी में संसद। ठीक है, तो क्या क्यों ज़रूरत है पार्लियामेंट की हमारे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पार्लियामेंट इन आवर नेशन, ये हम लोग जानेंगे। चलो, क्या लिखा है बच्चों, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रेन सुप्रीम। दे नॉट ओनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट्स डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी बातें हम आप लोगों को बहुत पहले ही सब कुछ बता चुके हैं कि इंडिया क्या है। हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर हम लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, मतलब लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार चुनी जाती है हमारे देश में। और इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट का, वो भी हमारे ही हिसाब से होता है, क्योंकि हम ही ने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके संसद में भेजा है, है ना, जिनकी सरकार बनी है। ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इन अ जनरल इलेक्शन द पीपल ऑफ द कंट्री वोट अ पॉलिटिकल पार्टी टू पावर। दिस पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर। एवरी गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। If the government does not perform to the expectations of the people, they can vote out the government in the next general elections. This is not all. The people even have the power to make the government rethink or change its decision regarding a particular issue by showing their disapproval through protest, rallies, dharnas, road blockades and so on. तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, हम लोग
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनते हैं? थ्रू जनरल इलेक्शन, पहले इलेक्शन कंडक्ट होता है, फिर हम लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लाना चाहते हैं उसको वोट करते हैं, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है सेंटर में, यूनियन में। उसके बाद ये जो सरकार होती है वो हमारे हित के काम आती है, हमारे हित के लिए काम करती है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। अगर हमारी सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है तो जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं 5 ईयर्स के बाद, हम क्या करते हैं, हम उन जो मेंबर्स होते हैं उनको वोट नहीं देते हैं, हम किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को वोट देते हैं जिसको हम बेटर समझते हैं। और यहीं तक सिर्फ नहीं है, अगर लोगों को ये लगा कि हमें अपनी सरकार को चेंज करना है तो, और अभी ही चेंज करना है, अभी 5 साल ख़त्म नहीं हुए हैं, सरकार का जो ड्यूरेशन है अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, और उसके पहले ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमको सरकार की चेंज करनी है, तो हम लोग अपना गुस्सा किस तरीके से जाहिर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैली करते हैं, धरना पे बैठ जाते हैं ना, स्ट्राइक्स करते हैं, रोक ब्लॉक कर देते हैं, तो इस तरीके से। तो ये सब पावर ऑफ डेमोक्रेसी है। पावर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के हिसाब से सरकार चुनी गई है और सरकार को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जो लोगों के हित में हो, जो लोगों के वेलफेयर में हो। अगर यहाँ पे ऑटोक्रेसी होती तो कोई एक व्यक्ति हमारे ऊपर रूल कर रहा होता और हमारे पास कुछ भी पावर नहीं होता। आगे क्या लिखा है, द पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द बेटरमेंट आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विच टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू द पार्लियामेंट। दिस चैप्टर डील्स विद द वेज द इंडियन पार्लियामेंट फंक्शंस एंड देयर बाय इनेबल्स द सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। तो क्या बताया जा रहा है कि जो पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन है सरकार को बनाने के लिए, जो पार्टिसिपेशन है थ्रू वोटिंग, और गवर्नमेंट क्या काम करती है, हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारे अच्छाई के लिए काम करती है, तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में क्या मिलकर के बना देती हैं, ये दोनों चीज़ें अपने आप में मिलकर के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। और इसको हम लोग बेस्ट कहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में जब हम जानेंगे तो हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी में वाकई में पार्लियामेंट में किस तरीके से जो एक पार्लियामेंट है हमारे सामने वो हमें एक्चुअल मीनिंग देता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और किस तरीके से सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट में, ये पढ़ेंगे हम लोग थ्रू राज्यसभा, भी आगे बताएंगे हम आप लोगों को। चलो अब देखोगे नेसेसिटी फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, क्यों ज़रूरत पड़ी लोगों के पार्टिसिपेशन की, लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है डिसीजन मेकिंग में। क्या लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल द पीपल ऑफ इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15th August 1947। तो ठीक है बच्चों, अंडरलाइन कर लो, सारे बच्चों को पता ही होगा हमें आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। ठीक है, इस फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ था, इंडियन सोसाइटी का हर एक सेक्शन, हर एक सेक्शन मतलब चाहे वो कम्युनल बेसिस पे हो, रिलीजन बेसिस पे हो, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के सब ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्राइबल्स जो आदिवासी थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स से फ्रीडम स्ट्रगल के, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो द आइडियाज विच जॉइंड और यूनाइटेड द पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वर द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो लोगों ने एकजुट होकर के काम किस लिए किया, एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स को क्यों भगाया, इसलिए कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमें हमारे देश में आज़ादी मिलेगी, बराबरी का दर्जा मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल द पीपल डिड नॉट अग्री विथ मेनी ऑफ द डिसीजंस ऑफ देयर ब्रिटिश रूलर्स, स्टिल दे हैड टू लिव विद देम, they could not criticize these decisions since they were fearful of the British government. If they dared to criticize, their lives would be in danger. However, the freedom struggle changed all this. The nationalists openly criticized the British government. They even put forward certain demands. In fact, long before India achieved independence in 1885, the International Congress demanded that there should be elected members
in the legislature who would have the right to discuss the budget and even ask questions. As a result, the Government of India Act 1909 allowed some elected representation. Although the British government conceded this demand of the nationalists, yet the people were neither allowed to vote nor could they participate in decision making. चलो तो क्या बताया जा रहा है बच्चों, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था तब लोगों को, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसा ऐसा डिसीजन लेते थे कि लोग उससे एग्री नहीं होते थे, उनको पसंद नहीं आते थे वो डिसीजंस, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के लोगों को उन डिसीजंस को मानना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमको धमकाते थे, और वो धमकाते ही नहीं थे, वो वाकई में ऐसे ऐसे स्टेप उठा लेते थे ना कि जो कि सोच से परे हैं हमारे, वो इतना हमारे साथ में एक्सप्लॉयटेशन हमारा करते थे कि हमको उनकी बातों को, उनके डिसीजंस को मानना ही पड़ता था। लेकिन जब फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई हमारे देश में, जब स्वतंत्रता के लिए हम लोगों ने लड़ना जाना, तो नेशनलिस्ट लोग जो थे, जो हमारे देश के लोग थे, जो लोग फ्रीडम चाहते थे हमारे देश को दिलाने के लिए, उन लोगों ने साफ मुंह पे ही ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करना, ब्रिटिशर्स की बुराई करना शुरू कर दिया, उनकी जो भी वो डिसीजन लेकर के, जो भी वो पॉलिसीज़ लेकर के आते थे, उनको ओपनली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे ये लोग ऐसे ऐसे डिमांड्स भी पुट फॉरवर्ड करते थे कि हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानेंगे। देखो अभी हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी, 1947 में आज़ादी मिली ना, उसके बहुत पहले 1885 में क्या हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए, 1885 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कि, जब फॉर्मेशन भी हुआ था उसी टाइम पे इंटरनेशनल कांग्रेस का, और उसने डिमांड किया था कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, और कौन होने चाहिए लेजिस्लेचर में, इंडियंस होने चाहिए, और जो कि बजट को डिस्कस करेंगे कि तुम हमसे जो इतना पैसा लेते हो, ब्रिटिशर्स जो हमसे इतना पैसा ले रहे हैं, वो वाकई में वो पैसा हमारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या सब उठा उठा करके बस इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, और जब डिमांड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो इसके रिजल्ट के अनुसार क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में, जिसमें कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को जगह मिली लेजिस्लेचर में। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नेशनलिस्ट की डिमांड थी, नेशनलिस्ट ने क्या डिमांड किया था कि हम लोगों को बजट पर बात करने के लिए, बजट पर वोट करने के लिए, ये सब अधिकार मांगे थे नेशनलिस्ट ने, ब्रिटिश ने इनमें से कोई भी अधिकार उनको नहीं दिया। पीपल जो लोग इंडियन में, जो इंडियन लेजिस्लेचर में जो इंडियन पीपल बैठते थे, वो लोग ना तो वोट कर सकते थे, क्या करते थे वो, ना तो वोट कर सकते थे और ना ही पार्टिसिपेट कर सकते थे डिसीजन मेकिंग में। क्लियर, डिड यू नो, में आ जाओ। द इंडियन, देखिए लिख दिया अभी हमने आपको बताया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब उसको फाउंड किया गया था, वो बना था। द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी प्रपोज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब यहाँ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, मतलब जिन्होंने मिलकर बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनके क्या डिमांड थी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो क्या प्रपोज करेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रपोज करेगी, और ग्रेटर रोल, मतलब एक अपना ज़्यादा रोल चाहती थी, ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहती थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ में, जो कि वो लोग इंडिया के लिए लाते थे। द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड द बेटर एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियल रूल वर टू ऑफ द फैक्टर्स व्हिच मेड द नेशनलिस्ट थिंक दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो जो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट ने इस चीज़ों को समझा था कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो जब हम लोग फ्री हो गए, तो फिर नेशनलिस्ट ने यही समझा कि हम लोगों को इसको, इस अधिकार को तो हमारे देश के देशवासियों को देना ही पड़ेगा। नेशनलिस्ट वांटेड दैट इन द फ्री इंडिया दैट द पीपल वुड फियरलेसली मेक देयर डिसीजंस एज रिगार्ड्स द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। नेशनलिस्ट यही चाहते थे कि जब हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो हम लोग, हमारे देश के लोग अपने डिसीजन को फ्रीली, बिना किसी दबाव के बना सकेंगे। दिस डिड नॉट मीन दैट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट कुड एक्ट आर्बिट्रेरली एंड डू व्हाट इट लाइक।
और इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो मन में आएगा वही करेगी. इंस्टेड इट मेंट दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल. इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जो लोगों की जो लोगों के हित में कार्य है और जो लोगों की डिमांड्स हैं उसको देख समझ करके काम को करना पड़ेगा. सरकार अपना लोगों पर थोप नहीं सकती है. पीपल्स पार्टिसिपेशन वॉज मेड अ रियालिटी वेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज ड्राफ्टेड. तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन था डिसीजन मेकिंग में ये कब सच्चाई में परिवर्तित हुआ, जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, जब संविधान बना. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, इसमें जो हमारे देश में जो भी वयस्क 18 साल के हो गए या 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दे हैव द राइट टू वोट. अब उनको अधिकार मिल जाता है कि वो लोग वोटिंग कर सकते हैं, और वोटिंग करने से ही तो हमारी सरकार बनती है. हम लोग वोट करेंगे, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी पॉलिटिकल मेंबर का जो भी पर्सन होगा, जो भी हमें पसंद आएगा कि हाँ ये वाकई में काम अच्छा करेंगे तो हम इनके लिए वोट करेंगे, फिर वो हमको सेंटर में भी वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे. तो इस तरीके से हमारा देश चलता है. ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को हम आगे और अच्छे से पढ़ाएंगे इसी लेसन में, ठीक है. तो यही हो गई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी विच मीन्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज अटेंड अ सर्टेन एज हैज द राइट टू वोट. सर्टेन एज यहाँ पे हमारे देश में 18 साल है, लिख लो सर्टेन एज के ऊपर 18 ईयर्स, हैज द राइट टू वोट एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अभी इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके क्लास, थैंक यू.